नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं और एक नई चीज लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ। घरों में अक्सर बर्तन गिर जाते हैं, एक आधी बार होना, कभी कभार होना स्वाभाविक है, मगर अगर बार बार घर में बर्तन गिरते हैं, चाहे वो आपसे गिरते हैं या आपके घर में जो आपने कोई मेड या सर्वेंट या कोई भी आपने स्टाफ ऐसा रखा हुआ है उससे गिरते हैं, तो मानिएगा ये अच्छा संकेत नहीं है। बार बार बर्तनों का गिरना, कई बार मतलब एक प्लेट उठाने लगे दो नीचे गिर गई, किसी को बोला चम्मच निकाल के दे दीजिएगा दो चार चीजें नीचे गिर गई। उसमें मैं मानता हूं इस बात को लेकर के कभी कभी डिविएशन ऑफ द माइंड हो सकता है, ध्यान कहीं और होता है, तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती है, बट ऐसा चीज अक्सर होना ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी अशांति को जन्म देता है। कभी कभी क्या करते हैं आप खुद भी, जैसे बर्तन रखे शैंक के अंदर रखे, वो इस तरीके से रखे कि झट से बड़ी आवाजें आती हैं, तो आपको तो परेशानी हो ना हो जो घर के बाकी सदस्य हैं वो उनके उनकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है और इरिटेशन पैदा हो जाती है। आपने बड़ी बार देखा होगा कि जब किचन के अंदर सामान रखने जाते हैं तो अचानक उसके अंदर बड़ी आवाज आती है, तो फिर आप उसको डांटते हैं या आप बोलते हैं, तो उससे मन आपका भी परेशान होता है और जिसको कहते हैं तो उसका भी मन परेशान होता है। बर्तनों को अगर कि शैंक के अंदर भी रखा जाए, ठीक है, तो उसको जहां पे धोने वाली जगह पे रखा जाए, बहुत धीरे से रखा जाए, बहुत कम आवाज आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि रखेंगे थोड़ा बहुत आवाज तो आती ही है, मगर बहुत आवाज ना आए, नहीं तो आपकी अपने ही रखने वाले की मन की शांति भंग हो जाएगी, मानसिक तनाव बढ़ जाएंगे, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी आपके दिल दिमाग के ऊपर हावी हो जाएगी। जिस घर में भी बर्तन अक्सर गिरते हैं, जब बहुत बर्तनों की आवाजें आती हैं, उस घर में अक्सर अशांति देखी गई है। उस घर में अशांति आज नहीं है तो होने वाले संभावना हो सकती है। तो अपनी पहली चीज, तो जो सबसे बड़ी जो चीज है कि ये अशांति को जन्म देने वाली चीज है, जिससे बर्तन गिरा उससे उसको भी अशांति, जिसके घर में गिरा उसके बाकी सदस्यों के में भी आपस में जो एक मन का तनाव, तो इमीडिएटली आएगा, रिएक्शन आएगा। अपने रिएक्शन को कंट्रोल कीजिए, बड़े प्यार से दूसरे व्यक्ति को समझाइएगा, अगर वो आपके परिवार का सदस्य है तो भी, अगर परिवार का सदस्य नहीं है तो उसको भी परिवार का सदस्य मान करके चलिए और उसको प्यार से समझाइएगा, ताकि एक बार दो बार चार बार और अपने आप उसका कंट्रोल आ जाएगा उस चीज पे। अगर कंट्रोल नहीं आता तो मान लीजिएगा कि जिस व्यक्ति से ये बर्तन बार बार गिर रहे हैं उसकी शांति भंग हो सकता है, उसको हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाए, हो सकता है किसी रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त मित्र के साथ, किसी अपने के साथ मनमटाव हो जाए, या मनमटाव पहले चल रहा हो इसलिए बर्तन टूट रहे हो या उस बर्तन गिर रहे हो, ये एक संभावना बड़ी जबरदस्त बनती है। तो इसके लिए अगर ऐसा होता हो तो बर्तन का दान दे दीजिएगा। सिंपल, बढ़िया बढ़िया फॉर्मूला, आप कहीं भी धर्मस्थल में दे दीजिएगा, किसी गरीब को दे दीजिएगा। अगर आपके घर में अक्सर बर्तन गिरते हैं तो अक्सर अशांति भी रहती है, चाहे वो मानसिक तनाव के कारण हो या एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हो या कोई सेहत के कारण हो। इसको बचने का तरीका क्या है? ग्लास, प्लेट, चावल, सॉरी अपना ग्लास, प्लेट, चम्मच आप धर्मस्थल में दे दीजिएगा। अगर साथ में आप आटा भी दे देते हैं, क्वांटिटी अपनी इच्छा के मुताबिक दे देते हैं, तो आपके लिए उन परेशानियों से राहत भी मिलेगी और इसका जो बुरा प्रभाव है वो भी क्षीण हो जाएगा। मगर पहला ध्यान यह है कि बर्तनों को गिरने नहीं देना, आवाजें नहीं ज्यादा आने देनी, चाहे रखते समय हो या गिरने के समय हो, पूरा ध्यान रखिए। यस, कभी कभार ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। सो आज के दिन एक ये नया सब्जेक्ट हम लेकर के आए, मैं आशा करता हूं कि ये बर्तनों का गिरना अक्सर घर घरों में होता है, मगर उसके कुछ जो कहते हैं कि भी ऐसे कुप्रभाव भी होते हैं, ये आज हमने चर्चा करी और उसके लिए उपाय क्या है,
ताकि घर में रोज कला क्लेश अशांति रहती है, ये उपाय सचमुच बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको लगे कि तो हर हमेशा ऐसा होता है तो कर दीजिए न महीने में दो बार दान कर दीजिए। अगर आपकी आपकी ज्यादा समर्थ्य नहीं है, एक ग्लास किसी को दे दीजिएगा, एक बर्तन दे दीजिए, दो बर्तन दीजिए, छोटे दीजिए, बड़े दीजिए, दीजिएगा तो घर में किसी किस्म का बुरा प्रभाव नहीं आएगा। मगर अपने जुबान पे, अपने क्रोध पे जरूर नियंत्रण बना कर रखिए, क्योंकि पहली शांति तब भंग होगी जब आपने इमीडिएटली रिएक्ट किया, दूसरी शांति तब भंग होगी जब किसी परेशानी का शिकार हो गए। दर्शकों, ये तो होता हमारा आज का प्रोग्राम, बर्तनों का बार बार गिरना या बर्तनों की बहुत आवाजें आनी। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक अवश्य कीजिएगा, और दूसरा अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तीसरा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो आए आप तक इमीडिएटली पहुंच जाए। और हमारे बहुत सारे जो वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। हमारी आप YouTube पे जाएंगे, प्रेम एस्ट्रोलॉजर लिखेंगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस दिखाई देंगी। जो भी वीडियो आपको पसंद हो, चाहे सपनों से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है कि आपकी किसी परेशानी, आपकी दुविधा से आपको बचा दे। बाकी हमारी वेबसाइट आपकी बहुत हेल्प करेगी दर्शकों, ढेर सारी मैंने आपको हमेशा कहता आ रहा हूं कि हमारी वेबसाइट www.premastrologer.com, इसके अंदर फ्री सर्विसेज बहुत ज्यादा हैं, जिसके अंदर फ्री ऑनलाइन कुंडली भी है जिसको आप अपने पास सेव कर सकते हैं। किसी को भी दिखानी हो, आपने खुद भी देखनी हो तो आपको जानकारी हो जाएगी मेरी कौन सी दशा चल रही है, कौन सा मेरा लग्न है, कौन सी मेरी लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है, नवांश कुंडली है, तो सारी चीजों की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर आपने अपने किसी बच्चे की शादी करनी है या अपने भाई बहन की शादी करनी है, बहुत सारी कुंडलियां आ गई किसी मैट्रिमनी साइट पे आपने दे रखा है और ढेर सारी आई, तो सभी पंडित जी के पास ले जाना संभव नहीं होता, तो खोलिएगा गुना मिलाने वाला पार्ट, गुना मिलान के अंदर जाके फीड कीजिएगा और मैचिंग कर लीजिएगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगना। ऐसे और ढेर सारी सर्विसेज हैं, भले ही आप पंचांग देखना चाहते हैं तो पंचांग चेक कर लीजिएगा। पंचांग ऑनलाइन चेक करना करना क्या है, तो एक दिन का चेक करना है या आप देखना कि पूरे महीने का राहु काल मुझे चाहिए तो राहु काल ले लीजिएगा, पूरे महीने का पंचांग चाहिए तो पंचांग ले लीजिएगा। ऐसे ढेर सारी जो ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कोई पैसा नहीं लगना दर्शकों, यू हैव टू जस्ट विजिट माय वेबसाइट एंड यू विल कम टू नो। आज के दिन इतना ही, फिर आपके साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ होगी मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।